हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर और प्याज का रायता, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। इसे हम बिरयानी, पुलाव, परांठे के साथ खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम यानी 250 ग्राम दही और एक बर्तन लिया है, कोई भी बर्तन आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर कांच का बाउल लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी दही। ये देखिए, मैंने 250 ग्राम यहाँ पे दही लिया है। दही जो है, आप जो है फ्रेश दही लिए तो ज़्यादा अच्छा है, उससे बहुत ही टेस्टी रायता बनेगा। तो इसके बाद सबसे पहले मैं इसको विस्क कर लूँगी, यानी थोड़ा सा फेंट लूँगी ताकि दही जो है एक सार हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें मिलाया है ये एक मीडियम साइज़ का प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट के, इस तरह से चॉप करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें मिलाऊंगी बारीक कटा हरा धनिया। जो धनिया है मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून के करीब, आप बढ़ा भी सकते हो या फिर कम भी डाल सकते हो। इसे भी मैंने बारीक काट के डाला है, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप इसमें थोड़ा सा फ्रेश मलाई भी डाल सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ डालूंगी 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई हरी मिर्च यानी ग्रीन चिली, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ग्रीन चिली ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते तो आप इसके जो है बीज निकाल के डाल सकते हो। 1/4 छोटा चम्मच काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट और स्वाद अनुसार नमक, और ये है 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैं इसमें मिला रही हूँ जीरा और अजवाइन, ये भून के मैंने इसका जो है पाउडर बना के रखा है। तो ये मैंने 1/4 छोटा चम्मच इसमें मिक्स करा है, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा रायता जो है बन के तैयार हो गया है। मैं अब इसे स्प्रिंकल कर रही हूँ हरे धनिए से और थोड़ा सा मैं इसमें रेड चिली पाउडर जो है स्प्रिंकल कर रही हूँ। देखने में भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव भी लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए, हमारा रायता बनके तैयार है। आप इसे जैसे ही बनता है फ्रेश फ्रेश सर्व करें, और पुलाव, नान या फिर परांठा, मतलब किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जो टमाटर यूज़ करोगे वो डीसीड करके यानी उसके बीज निकाल के यूज़ करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियोस देख पाओ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।